अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको दिखाने लगा हूं कि मैंने जिस दुकान पे बर्ड्स भेजे हैं वो दुकान कहां करके है। मैं आपको ये पूरा व्यू दिखाता हुआ कोशिश करता हूं कि आपको समझा सकूं मैं। तो ये आपको मैं सारा व्यू पूरा मोड़ समनाबाद से लेके उस दुकान तक समझाने की कोशिश करता हूं। ये आप अब देख सकते हैं कि ये सामने वाली साइड पर जो है मोड़ समनाबाद का ऑरेंज लाइन मनसूबा है, और ये फ्लाई ओवर के साथ साथ आपके जो सामने ये येलो कलर की जो क्रेन नज़र आ रही है ये गंदा नाला है। इस गंदे नाले के साथ साथ वो मार्केट जा रही है, और मैं आपको अब गंदे नाले की पल्ली साइड पे ले जाकर दिखाता हूँ कि आपने इस रोड पे, ये अब उस रोड पे आ गए आप, और ये फ्लाई ओवर देखें, ये मेरे दरमियान में गंदा नाला है, और गंदे नाले का पहला यूटर्न, ये आपके सामने पहला यूटर्न आने वाला है। पहला यूटर्न छोड़ के आपने दूसरे यूटर्न से सर्विस लाइन में हो जाना है, पल्ले हाथ की रोड पे हो जाना है। ये पहला यूटर्न छोड़ देना है, मैं अभी आपको आगे लेके चलता हूँ। ये इसी रोड पे आपने दूसरे यूटर्न से पल्ले हाथ पे हो जाना, मैं पल्ले हाथ पे हो गया हूँ ये, और ये आपके सामने है कि ये बैंक अल हबीब की बिल्डिंग सामने नजर आ रही होगी आपको। ये बैंक अल हबीब के तकरीबन सामने थोड़ा सा आगे करके है, आपने दूसरे यूटर्न से दूसरे हाथ पे आ जाना है, और इसी हाथ पे फिर इनकी शॉप भी है। ले अब लेकर चलता हूँ मैं आपको इनकी शॉप के अंदर। ले व्यूअर्स, ये बैंक अल हबीब है। अब मैं रोड के इस तरफ आया हुआ हूँ, और इनके साथ ये ड्राई फ्रूट की शॉप भी है, और ये इनकी शॉप है। अभी मैं इनका विजिट भी करवाता हूँ दुकान का, और इन्होंने बाहर जो है ये असील के चूजे रखे हुए हैं, ये मुर्गी भी है, ये देसी भी है, इनमें ये आइटम्स इन्होंने बाहर रखे हुए हैं। बाहर इन्होंने केज वगैरह डिस्प्ले पे लगाए होते हैं ताकि आसानी से लोगों को पता लग जाए। ले व्यूअर्स, ये जो माल मेरे शेड में आप देखा करते थे, आप इस शॉप पे आ गया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दिलवा भाई, भाईजान क्या हाल चाल है? बस भाईजान, मैंने कहा अपने व्यूअर्स को मैं आज इसकी अपडेट भी दूँ कि माल कैसे और कौन सी शॉप पर पहुँचा है। मैं आपको व्यूअर्स दिखाना भूल गया कि भेजा किस तरह गया था कार्गो करके, तो नेक्स्ट एपिसोड में वो भी दिखाऊँगा मैं दोबारा। तो ये वो माल है जो मेरी शेड से आया है इस वक्त, और ये इस माल के मुतबादल में अभी जो है इनसे ये एक रॉ का पेयर ले रहा हूँ, और कुछ पीस ये हैं। इन्होंने केज वगैरह भी रखे होते हैं, बड़े फैंसी केज होते हैं, ये दाना भी होता है। और अब ये बेशक आप मेरे से मंगवाएं या इनसे मंगवाएं वो एक ही बात है। अब बॉक्स के अलावा मटकियाँ मेरे पास के बजाय इनके पास से भी मिलेंगी। इन्होंने सिर्फ आपके सामने है ये कि इन्होंने मटकियाँ नहीं रखी हुई, मैं इनको मटकियाँ भी ला कर दूँगा जो मैं भेजा करता हूँ आप लोगों को। और ये कबूतर हैं, ये स्टेलियंस हैं, ये कुछ काठों के पेयर हैं, काठे भी मैं कुछ पेयर लेकर जाऊँगा इनसे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या इनसे लेता हूँ। वैसे तो एक रात और कंफर्म है, और दो पेयर काठों के भी कंफर्म है, ये केजेस वगैरह हैं। इनके पास नेस्टिंग कैट सीड, कैल्शियम ब्लॉक, मेडिसिन डब्बी इनके पास प्लास्टिक की हैं, स्टील की नहीं है, और मैं इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट वीक में आएंगे, इंशाल्लाह वो भी इनके पास आ जाएंगे। ले व्यूअर्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।